कांग्रेस विधायक और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिनेश गुर्जर का कहना है कि भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है, पेपर लीक के मामले छात्रों को भविष्य बिगाड़ रहे हैं। किसान आज खाद और बिजली के लिए परेशान है, सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबो रही है। नरोत्तम मिश्रा के ऑडियो वायरल करने पर दिनेश गुर्जर ने कहा, नरोत्तम जी पूरी सूची रख लें और साथ में चल कर देख लें, यदि गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, नहीं तो नरोत्तम मिश्रा संन्यास ले लें। आज जिलाध्यक्षों को बुलाकर ये रणनीति बनाई जा रही है, जो हमारे किसान भाइयों को बिजली नहीं मिल रही है, बीज खाद नहीं मिल रहा है, ये हमारे किसान भाइयों समय पर बिजली मिले, बीज खाद मिले, इसके लिए हम अपने जिलाध्यक्षों को आज निर्देशित करेंगे कि जाकर ब्लॉक और जिले स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ें, जिससे किसान भाइयों की समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जाएँ, बीज खाद समय पर मिले, बिजली समय पर मिले, इसकी पूरी लड़ाई मध्य प्रदेश के हर जिला और ब्लॉक स्तर पर लड़ेंगे। इसके लिए आज जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है। सहकारिता में जिस तरह से सहकारिता में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़ मड़ोल कर रही है, उसका जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य सहकारिता का था कि किसानों को जोड़कर मजबूत करने का, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर सहकारिता पर कब्जा करेंगे। यूथ कांग्रेस, NSY कांग्रेस के लोग निरंतर इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से कोई भी हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में कोई भी परीक्षा हो रही है, पूरी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार बेईमानी हो रही है, पेपर लीक होते हैं, हमेशा छपता है, पर दुर्भाग्य यह है कि आज तक किसी भी कमेटी ने, कोई जांच ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों का, गरीबों के बेटों का अधिकार छिन रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी भी लड़ाई प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। देखिए पूरा मध्य प्रदेश के अंदर चलो मेरे साथ, मैं नरोत्तम मिश्रा से कहना चाहता हूं कि कॉलेजों की सूची निकाल लें और मेरे साथ मध्य प्रदेश में चलें भ्रमण पे, और अगर देख लें कि उसमें नियमों के अनुसार वहां की मान्यताएं मिली हैं कि नहीं मिली हैं, अगर नहीं मिली हैं तो वो राजनीति संन्यास ले लें, नहीं तो हम ले लेंगे।